रावण गयो, जिनको बहु परिवार है, राम भी चला गया और रावण भी चला गया, राम संप्रदाय भी चले गए। आज यही तो वाणी में आया, कहाँ जाना है, कहाँ जाना, शांति धाम, घर जाना है। तो राम संप्रदाय भी जावेंगे और रावण संप्रदाय भी जावेंगे, दोनों जावेंगे, या एक संप्रदाय राम संप्रदाय जावेंगे और रावण संप्रदाय रह जावेंगे, दोनों ही जा। राम गयो रावण गयो, जिनको बहु संप्रदाय, बड़ा बड़ा परिवार है उनका, गए तो सब। फिर अंतर क्या है, गति में तो सब जाते हैं, मुक्ति तो सबकी होती है, लेकिन तुम बच्चों की तो मुक्ति होती है राम संप्रदाय की मुक्ति के साथ, जीवन मुक्ति भी होती है। जीवन में रहते रहते तुम सुख भोगते हो, दुख नहीं भोगते हो, ये तुम्हारी सच्ची गति है। उन असुरों की भी गति होती है, परंतु वो झूठी गति है। क्या वो जाते हैं तो फिर अमर लोक में लौट के नहीं आवेंगे, मृत्यु लोक में तो अब नहीं आवेंगे। जब आवेंगे तो एक जन्म के लिए उनको सुख मिलेगा, बाकी जन्मों में दुख मिलता रहेगा। और तुमको तो कितने जन्मों के लिए सुख मिलता है, 21 जन्मों के लिए बाप से सुख मिलता है। तो तुम्हारी बलिहारी है, और जल्दी जल्दी बोलो, नहीं टाइम हो जाएगा। बाबा बाबा जब बच्चों को दृष्टि दे रहे होते हैं, बाबा जब बच्चों की बच्चों की तरफ दृष्टि देते हैं, बच्चों की तरह दृष्टि देते हैं, तो बाबा से दृष्टि लेते समय बच्चों को बाबा के नैने में देखना चाहिए या घिरकुटी में देखना चाहिए? नैन इंद्रियां हैं या नहीं है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तो अगर ये देख के देखेंगे, ये समझ के इंद्रियों में देखेंगे कि ये शिव बाबा ने इंद्रियां ली हैं, तो ठीक है। अगर सिर्फ इंद्रियों को देखा और शिव बाबा याद नहीं रहा, तो सही देखा या गलत देखा? फिर तो गलत देखा। और देखना आत्मा को है या इंद्रियों को देखना है? आत्मा को देखना है, और आत्मा भ्रकुटी के मध्य में है या आंखों में घुसी हुई है? भ्रकुटी के बीच में है, तो भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखना है। आत्मा को भी नहीं, किसको देखना है? परम पिता परमात्मा को देखना है, शिव बाबा को देखना है। हाँ, दृष्टि से शक्ति निकलती है, इसे बताते हैं। शक्ति भ्रकुटी से निकलती है या दृष्टि से निकलती है? क्या बाबा की पावर आती है? ऊंची आत्मा होगी जब शरीर छोड़ेगी, तो ऊंचे में जाएगी या नीचे से निकलेगी? ऊंचे से। तो ऊंची इंद्रियां भी हैं और नीची इंद्रियां भी हैं, भ्रष्ट इंद्रियां भी हैं और श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां भी हैं। जो अच्छा पुरुषार्थी होंगे उनकी श्रेष्ठ गति होगी या नीची गति होगी? श्रेष्ठ गति होगी। और फिर कोई इंद्रियों में ही छेद थोड़े ही हैं, ये तो शरीर के रोए रोए में छेद हैं। जितने बाल हैं, जितने रोए हैं, उतने छिद्र हैं, और आत्मा उन छिद्रों से भी सूक्ष्म है या उन छिद्रों में से नहीं निकल पाएगी? छिद्रों से भी सूक्ष्म है, वो तो कहीं से भी निकल सकती है। और बाबा, एक मंदिर का नाम है स्वर्गद्वार,
वहाँ से पांडव स्वर्ग गए बोल के किस अर्थ में वो स्वर्गदारी नाम रहे? स्वर्ग माने क्या है? गा माने गया, स्व माने आत्मा, कहाँ गया? आत्म की स्थिति में गया, उसी का यादगार मंदिर, मंदिर माने घर बना दिया है। आज भी तो बाबा ने यही बात कही, कहाँ जाना है? घर जाना है। घर जाएंगे तो हम स्वर्ग में भी आएंगे, और जल्दी जल्दी घर नहीं पहुंचेंगे, बाद में घर पहुंचेंगे। जो बाद में घर पहुंचने वाले हैं वो बाद में आएंगे या पहले आएंगे? है? जो घर में परम धाम में शांति धाम में भगवान के घर बाद में पहुंचेंगे वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आवेंगे या बाद में आवेंगे? वो तो बाद में आवेंगे, दुख भोगेंगे, दुखी सृष्टि में आवेंगे। और हम तो पहले आवेंगे। जो पहले आएंगे वो स्वर्ग भोगेंगे, जो बाद में आएंगे वो नरक भोगेंगे। इसलिए यादगार बना हुआ है, पहाड़ पे यादगार बना हुआ है या मैदान में बना हुआ है? पहाड़ पे यादगार बना। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। जो ऊंची स्टेज वाले होंगे वो पहले पहले ऊपर चढ़ जाएंगे। और सतयुग में कर्म अकर्म नहीं होते ना, तो फिर कर्म अकर्म सतयुग में ही तो होते हैं, विकर्म नहीं होते। वे माने विपरीत। क्या? वहाँ पाप कर्म नहीं होते। विपरीत कर्म माने पाप कर्म। सतयुग में आत्मिक स्थिति होती है ना, तो आत्मिक स्थिति होने के कारण देह में बुद्धि जाती नहीं। जब देह में बुद्धि नहीं जाती तो देह के अंदर कर्मेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियों में भी बुद्धि नहीं जाती है, तो पाप कर्म कैसे बनेगा? कर्मेंद्रियों में जब बुद्धि जाती है, कर्मेंद्रियों के जब सुख भोगते हैं, तब पाप बनता है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो पाप कैसे बनेगा? अकर्म बन जाता है। हाँ? पाप ही नहीं करेंगे तो उनकी कला कैसे बढ़ती है? पाप का मतलब यह है कि द्वापर युग में पाप होते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां होती हैं नीचे युग की स्टेज वाली, और ज्ञानेंद्रियां होती हैं ऊंची स्टेज वाली। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का अंतर मालूम है? नहीं मालूम। ये आंख है, इससे देखते हैं। ये नाक है, इससे सूंघते हैं। जीव है, उसे स्वाद लेते हैं। कान से सुनते हैं, तो ये ज्ञान मिलता है इनसे। इन इंद्रियों से ज्ञान मिलता है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तो सतयुग त्रेता में ज्ञानेंद्रियों का सुख होता है। श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख होता है या भ्रष्ट इंद्रियों का सुख होता है? श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख होता है। इसलिए गिरते तो हैं, सुख तो भोगते हैं, लेकिन पाप कर्म नहीं बनता। और द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा सुख भोगते हैं, इसलिए क्या बन जाता है? पाप ज्यादा बनते हैं और ऊंची स्टेज में कम रहना होता है। आया समझ में? सतयुग त्रेता में पाप कैसे बन जाता है? पाप नहीं कहेंगे क्या, लेकिन सुख भोगते भोगते शरीर की शक्ति और आत्मा की शक्ति छीण तो होगी ना, नीचे तो गिरते हैं, लेकिन तीव्र गति से नीचे गिरना नहीं होता। और द्वापर युग से तीव्र गति से नीचे गिरते हैं, तो पाप बन जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे ट्रेन जो चलती है, धीरे धीरे जो फोर व्हीलर चलते हैं, धीरे धीरे व्हीकल चलता है तो एक्सीडेंट होता है, या तेज चलते हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? या तेज चाल चलते हैं तो एक्सीडेंट ज्यादा हो जाते हैं? तो वहां उतरना तेजी से होता है। कहां? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में इतनी तेजी से उतरना नहीं होता है। सुख तो भोगती है आत्मा, सुख नहीं भोगेंगे तो कलाएं कैसे कम हो जाती हैं? कलाएं कम होती हैं कि नहीं? सतयुग में भी कलाएं कम होती हैं, त्रेता में भी कलाएं कम होती हैं।
सुख भोगते भोगते कला क्षीण होती जाती है, लेकिन क्षीणता कम होती है। और एक क्षीणता ज्यादा होना, पतितपना ज्यादा होना, तो ज्यादा पतित होना अच्छा या कम पतित होना ज्यादा अच्छा? सत्युग त्रेता में आएंगे तो सुख भोगेंगे, आएंगे ही नहीं तो सुख कहां से भोगेंगे? सुख भोगना है या सुख दुख दोनों नहीं भोगना है? परमधाम में पड़े रहे हैं, परमधाम में तो सुसुप्ति अवस्था है, जैसे आदमी सो जाता है तो न सुख है और न दुख है, तो क्या चाहिए दुनिया तो चाहिए, लेकिन सुख की दुनिया चाहिए, दुख नहीं चाहिए। बुखार उतर जाए तो कहीं मुक्ति हो गई बुखार से, तो बुखार से मुक्ति ही चाहिए या फिर लड्डू पेड़ा और चाहिए? हैं? बुखार से मुक्ति तो पहले चाहिए, जब बुखार आता है तो उस समय लड्डू पेड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले मुक्ति तो चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुक्ति ही चाहिए हमको, फिर सुख जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं। बुखार से मुक्त होने के बाद फिर हमको सुख भी चाहिए, वो ही सच्ची सदगति है। और परमात्मा जीव बाप सर्वव्यापी नहीं है, एकव्यापी कहाँ है, कौन कौन स्थान में? ये बात आप पूछेंगे तो आप निकलो गेट आउट। यहाँ उन्हीं लोगों को बैठाया जाता है जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि परमात्मा एक व्यापी है और हमने जान लिया, तो गेट आउट हो गए, निकलो बाहर, अभी फिर से भट्टी करो जाके, और वहां बहन से पूछना क्या करोगे, दोबारा भट्टी करोगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि तुम आंखें नीचे करके बैठे हुए थे, हम तभी समझ गए थे। पूरा निरोध नहीं सुनता होगा, करके आया होगा। कब की है भट्टी? छह सात महीने। और क्लास करते रोज? नहीं। तो सर खुजलाने लगे? कभी कभी करते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आया है। इसलिए या तो दोबारा भट्टी करना, अगर भट्टी दोबारा न करो तो कम से कम रोज क्लास जरूर करना। अच्छा, हाँ, नहीं तो फिर यहाँ क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये प्रश्न तो दुनिया वाले पूछें, क्या प्रश्न कि सर्वव्यापी है या नहीं है, और है सर्वव्यापी नहीं है तो फिर एक व्यापी कहाँ है? ये दुनिया वाले जाने पूछे, हमें तो मिल गया भगवान बाप, जिनको मिल गया उनको पूछने की दरकार है ही नहीं। और ये सीढ़ी में दादा लेखराज का जो हिस्ट्री है ना, सीढ़ी में हाँ, किसकी हिस्ट्री है? दादा लेखराज की, वो पहले जो होगा दूसरे, दादा लेखराज की हिस्ट्री है कि भारत की हिस्ट्री है? दादा लेखराज की हिस्ट्री है, हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ, यहाँ चित्र भारत का बना हुआ है या दादा लेखराज का बना हुआ है? दादा लेखराज का जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले, कृष्ण बनने वाले आत्मा है ना? दादा लेखराज लक्ष्मी नारायण कब बनेंगे? अभी बनेंगे, इसी जन्म में बनेंगे या अगले जन्म में बनेंगे? अगले जन्म में किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो तुम्हें लक्ष्मी नारायण अभी बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा, या अगले जन्म में बनना है? वो बात तो शिव बाबा ने उसको बताया क्या? साक्षात्कार के माध्यम से दादा लेखराज को बताया। क्या बताया? ये चित्र साक्षात्कार से नहीं बना हुआ है, ये चित्र बुद्ध योग से बना है। बाकी जो चित्र है वो साक्षात्कार से बने हैं, और दादा लेखराज को साक्षात्कार नहीं हुए चार चित्रों के। ये आपके घर बुद्धि में गलत फहमी है,
इन चार चित्रों के, तीन चित्रों के जो चार चित्र हैं, उनके साक्षात्कार ब्रह्मा कुमारियों को हुए थे। ब्रह्मा कुमारियां बार बार साक्षात्कार में जाती थी और शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इन चित्रों को करेक्ट कराते थे। इन चित्रों का साक्षात्कार ब्रह्मा को नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे नहीं समझना है कि ये ब्रह्मा की जीवन कहानी है। नहीं समझ आया? हाँ, ये जीवन कहानी अगर ब्रह्मा की हो तो उन्होंने संगम युग में भगवान से प्राप्ति की या सतयुग में देवता से प्राप्ति की? ब्रह्मा ने? नहीं, ब्रह्मा ने प्राप्ति कहाँ की? संगम युग प्राप्ति की। संगम युग रिकॉर्डिंग हुई प्राप्ति की? नहीं, अगले जन्म की। फिर पढ़ाई यहाँ पढ़ी तो प्राप्ति कहाँ होना चाहिए? अगले जन्म में। पढ़ाई यहाँ पढ़ोगे, अगले जन्म में डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनोगे, ये तो बेवकूफी वाली पढ़ाई हो गई। रेखा अभी बनते हैं ना बाबा, संगम युग में। हाँ, संगम युग में वो बने नहीं ना, वो संगम युग में बने ही नहीं। वो संगम युग में नर से नारायण नहीं बने, वो नर से वहाँ प्रिंस बनेंगे। प्रिंस बनके फिर बड़े होके नारायण बनेंगे, और वो बात भगवान पढ़ाने नहीं आया है। भगवान सिर्फ प्रिंस बनाने आया है, नर से नारायण बनाने आया है। डायरेक्ट नर से नारायण बनाने आया है। तो नर से नारायण बनने वालों की ये हिस्ट्री है। वो देखो दरवाजा दिखाया है कोने में, संगम में, सत्यु के बाहर ऊपर सीढ़ी में, वहां से उनकी कहानी, जीवन कहानी शुरू होती है। वहां पर वो विश्व के मालिक थे। उस समय सारे विश्व के, विश्व धर्म की आत्माएं जिंदा थी, मौजूद थी। उन सबके ऊपर उन्होंने राज्य किया, सबके दिलों के ऊपर। ब्रह्मा की आत्मा ने तो सिर्फ थोड़े से ब्रह्मा कुमार कुमारियों के दिल पर राज्य किया, सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया, सबके दिलों पर राज्य किया नहीं किया, तो उनकी जीवन कहानी है ही नहीं। और पतित आत्मा ब्राह्मण परिवार में आती है? प्रत्येक आत्मा जो ब्राह्मण परिवार में आती है, परिवार में आती है ना, उसके उसने पत्ते को राज किया था। एक बार कोई एक समय में वो सभी ऊपर राज किया था या नहीं? कोई समझ पाया है क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ ज्ञान में अभी आते हैं, सूर्यवंशी आत्माएं जो होती है ना, वो प्रत्येक सबके ऊपर राज कर पाते हैं या नहीं, ये पूछ रहे हैं। कोई एक बार वो राजा बनते हैं? यथा राजा तथा प्रजा होती है कि नहीं? हैं? वो तो होती है। तो जैसे परिवार में बाप किसी कारखाने का मालिक है, तो जो बच्चा पैदा होगा, भले आखिरी बच्चा पैदा हो और उसे पूछा जाए ये कारखाना किसका है, तो क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? नहीं कि बाप ये है, उसे डांटे, ए तू अपना क्यों कहता है, ये कारखाना तो मेरा है, मैंने बनाया है, तेरा थोड़ा ही है, कहेगा? तो ऐसे ही है, ये एक ही जन्म ऐसा है क्या जिसमें बाप बच्चों को राजाई देता है, खुद राजाई नहीं करता है। इसलिए बच्चे ही विश्व के मालिक बनेंगे इसी जन्म में। इसी जन्म का फिर बदल मुक्त भी होता पड़ेगा ना बाबा। क्या जो राज किया था ना हमने, हाँ, दूसरे के ऊपर जो राज किया था ना, इसी जन्म में हमने इसको वो बंधन बंधन नहीं लगता है किसी को। जिनके ऊपर राज्य करते हैं वो दुनिया में वो आत्माएं हैं जो कि वापस जाने वाली हैं। हमारे बच्चों के परिवार के ऊपर थोड़ा ही बंधन किया जाता है, परिवार को बांध के रखा जाता है क्या? अभी मुरली जो है तो अपने राज किया था, जिसके ऊपर अपने बंधन किया था, उसको उसी का हिसाब किताब चुका करना पड़ेगा। वो द्वापर कलयुग की बात, राजाई की बात है, अभी की राजाई की बात नहीं, जो हमें भगवान बाप से मिलनी है। 21 जन्म की राजाई की बात नहीं है, वो कहाँ की बात है?
63 जन्मों में जो हमने राज्य किया है उस राज्य का हिसाब किताब अभी हो रहा है। जो कोई को रोना पड़ता है, कोई को हंसना पड़ता है, कोई को दुख फील होता है, वो अभी हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं 63 जन्मों की, अभी की नहीं। अभी तो संगम युग में खुशियां ही खुशियां हैं, मौजों का युग है संगम युग, इसमें दुखी होने की तो बात है ही नहीं। दुखी होते हैं तो समझो ज्ञान की कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, ज्ञान की कमी है इसलिए दुखी हो रहे हैं। और विश्व के मान व्यक्ति व्यक्ति तो जिसके जिसने इतिहास में नाम कमाए क्या उनका ज्ञान का खास पात है? दादा विश्व के मान व्यक्ति व्यक्ति तो जिसने इतिहास में नाम कमाए क्या उनका ज्ञान का खास पात है? अच्छा, इस दुनिया के जो बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, जैसे नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, महाराणा प्रताप हैं, साईं बाबा, हाँ उन्होंने भी कलयुग अंत की शूटिंग में थोड़ा बहुत नाम कमाया होगा। कब कमाया? जब ईश्वर आया उस समय कमाया, या कलयुग के अंत में जब साईं बाबा परमधाम से नीचे उतरे और भगवान के रूप में पूजे गए तब नाम कमाया, या अब शरीर छोड़ करके गए? शरीर छोड़ करके गए ना, अब जहां जन्म लेके ब्रह्मा कुमार बनेंगे फिर नाम कमाएंगे। कब नाम कमाएंगे? अभी कमा लिया उन्होंने उस आत्मा ने नाम, या कमाएंगे? कमाएंगे वो तो कलयुग की शूटिंग में कमाएंगे, या सत्युग त्रेता द्वापर की शूटिंग में कमाया ना? संगम में भी चार युगों की शूटिंग होती है ना, तो चार युगों की शूटिंग में सत्युग त्रेता द्वापर की शूटिंग में उन्होंने नाम कमाया, साईं बाबा की बात हो रही है, या कलयुग अंत की शूटिंग में नाम कमाया? तो बस अंतिम जन्म में आके उनका नाम बाला हो जाएगा, चारों युगों में उनका नाम बाला नहीं होने वाला। अब बात कौन सी हो रही थी, माता बीच में बोल पड़ी। जिनका इस दुनिया में हिस्ट्री में द्वापर कलयुग में बहुत नाम है हिस्ट्री में, क्या उनका यहाँ ज्ञान में पार्ट है? यानी क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। अरे स्वर्ग की दुनिया हमारी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? बाबा क्या कहते हैं मुरली में है? स्वर्ग की दुनिया के जब हम मालिक हैं तो नरक की दुनिया के हम मालिक नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? लेकिन नंबर बार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबर बार बनेंगे। वहां भी नाम बाला तो यहां भी नाम बाला। हाँ है नंबर बार, कोई कलयुग के अंत में ही नाम बाला करेंगे और कोई सतयुग के आज से ही नाम बाला करने वाले बनेंगे। जैसे नारायण, जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि भी तो सतयुग में बाद वाले नारायण बनेंगे ना। और भाई मुरली में जिक्र आता है कि ये चांडाल पद तो पूरे काम करोगे तो चांडाल पद मिलेगा। हाँ, तो दे करके अगर वापस लेंगे, दे दिया निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, हम जीवन भर पवित्र रहेंगे, कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे, दे दिया ना लिख करके, फिर अपवित्र बन गए। तो ये चांडाल का काम तो लाश जलाने के कहते हैं। हाँ, नीचा काम है ना, अच्छा काम है बुरा काम है? सत्य में तो लाश जलाने की जरूरत है, फिर ये कौन से जन्म की? यहाँ 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 जो ज्ञान में आ रहे हैं वो मुर्दे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ज्ञान में आने वाले जिंदा होते हैं, फिर वो मुर्दा बन पड़ते हैं कि नहीं बन पड़ते हैं? तो जो मुर्दा बन पड़े उनके जी को कौन जलाएगा? रावण को जलाते हैं ना, तो रावण को जलाते हैं क्या? वो स्थूल अग्नि लगा के जलाते हैं क्या?
वो तो भक्ति मार्ग में जलाते हैं, रावण का बुत बनाएंगे और स्थूल अग्नि लगाएंगे और उसको जलाएंगे, और यहाँ कैसे जलाते हैं? यहाँ बेहद की बात है, ये हद की बात है। हाँ, यहाँ भी जो चांडाल बनते हैं वो क्या करेंगे? दूसरे के दिल को जलाएंगे। खुश करना चाहिए ज्ञान सुना करके, या किसी को दुखी कर देना चाहिए? खुश करना चाहिए। तो बजाय खुश करने के हम उसको ऐसा ज्ञान सुनाए तो बेचारा रोने लगे, हाय हम तो किसी काम के नहीं। और लोग राम और कृष्ण को विष्णु का रूप क्यों कहते हैं? राम और कृष्ण को विष्णु का रूप कहते हैं? हाँ, क्योंकि विष्णु के चित्र में तुमने देखा नहीं कितनी भुजाएं हैं? नहीं देखी? चार भुजा है ना, याद आ गया। तो भुजा माने मददगार, माना ये विष्णु जो है ना उसकी चार आत्माएं मददगार हैं। भुजाएं काट दें, मददगार को कट कर दें तो विष्णु रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए जब तक चार भुजाएं पूरी मददगार न बने 100%, तब तक उनको विष्णु नहीं कहा जाएगा। कौन कौन सी चार भुजाएं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती वाली आत्मा, दूसरे शब्दों में कहो कृष्ण के साथ राधा, और राम के साथ सीता। ये चारों आत्माएं इकट्ठी एक दूसरे की सहयोगी बने। अभी सहयोगी बन रही हैं? अभी ओम राधे मम्मा वाली आत्मा या ब्रह्मा वाली आत्मा राम की पूरी सहयोगी बन रही है? नहीं बन रही। ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली आत्मा कहते हैं मैं ही भगवान हूं गीता का साकार में, तो झगड़ा हो गया या सहयोग है? ये तो झगड़ा हो गया। मम्मा वाली आत्मा कहती नहीं कोई भगवान नहीं, ब्रह्मा बाबा ही भगवान थे। मम्मा वाली छोटी माँ है ना, वो कोई बच्ची में प्रवेश करके क्या समझती है? वो समझती है मैं ही लक्ष्मी बनूंगी, लक्ष्मी तो मैं बनूंगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा सत्युग में जाके नारायण बनेंगे, मैं लक्ष्मी बनूंगी। अब ऐसा तो है नहीं। गायन संगम युग का है या सत्युग का है? संगम युग का गायन है। तो यहाँ संगम युग में ही चारों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक होने चाहिए, तब कहेंगे विष्णु। और बाबा जगदम्बा महाकाली बन करके ब्राह्मणों की दुनिया में क्या लीला करती है जो अच्छा है? जगदम्बा ब्राह्मणों की दुनिया में महाकाली बन करके कैसा लीला रहती है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चों को भी बाबा के प्रति संशय बुद्धि बना देती है? ये चंडिका देवी का पार्ट है, चांडालिका का। चंडाल बनेंगे तो चंडिका नहीं बनेगी? हा? बनेगी कि नहीं? तो चंडिका देवी का काम क्या है? आग लगाओ, बब्बर बब्बर जलने दो, किसी का दिल जलेगा तो अनिश्चय बुद्धि बनेगा या निश्चय बुद्धि बनेगा? हा? अपने को नीचा समझेगा या ऊंचा समझेगा? नीचा समझेगा। ऐसे आग लगाती है, अनिश्चय बुद्धि बना देगी बहुतों को, सर अलग कर देगी और देवान अलग हो जाएगा। बाप का बनाएगी या अपनी कमर में लटकाएगी? जो बाप के अभी सहयोगी हैं, मददगार हैं, भुजाएं हैं, उन भुजाओं को काट देगी, और काट के अपनी लज्जा का आवरण ढकेगी। हमने कोई बुरा काम नहीं किया, देखो हम बहुत अच्छे हैं, हम कपड़े पहने हुए हैं। है माँ काली, काले मुंह वाली है, काले मुंह बहुत कर चुकी। हाँ, कोई महाकाली है, कोई काली है, कोई अकाली है, नंबर वार है। जो बाप को छोड़ के जाती है, सुनंती सुनावंती कथंती भागंती हो जाती है, वो क्या बनती है? महाकाली बनती है, महाकाली की भुजाएं बनती है।
तो भगवान के भुजाओं को काटेंगी, जैसे खुद कट गई वैसे ही दूसरों को काटेंगी या भुजाएं बढ़ाएंगी? भुजाओं को काटती हैं, उनका धंधा ये है विनाश करना। तो भगवान क्या समझ के बैठते हैं, अरे मेरा काम कर रही है विनाश करना है? काम तो शंकर की है, ये शंकर का ही हो रहा है, मेरे बच्चे का काम हो रहा है, इंटरफेयर क्यों करें? तो बच्चे को भी कहते अच्छा तुम सो जाओ आराम से। शंकर जी क्या करते हैं जब वो मारकाट मचाती है? तो शंकर जी क्या करते हैं है? आराम से सो जाते हैं। हाँ भैया मचाओ, हमारा काम तो हो रहा है। अरे कोई काम करता है अपना ही काम कर रहा है ना, नाम किसका बाला होगा, किसके लिए कहा जाएगा, किसके द्वारा विनाश? शंकर द्वारा हो, कोई थोड़े कहता महाकाली द्वारा विनाश। तो काम तो हमारा हो रहा है। गाय अगर दूध देती है और लाते भी मारती है तो गाय का दूध दुहना छोड़ देते हैं क्या है? कि लाते सहन करते हैं है? हाँ तो महाकाली की लात सहन करने में क्या है, सारा काम तो वो ही करती है। विनाशकारी कौन है, हाँ? शक्तियां ही असुर संहारिणी है। प्रैक्टिकल में शंकर नहीं असुरों का विनाश करता है, चांडाल का काम राजा करता है या कोई दूसरा करता है, हाँ? चंडाल अलग होते हैं प्रैक्टिकल में काम करने वाले, और ऑर्डर देने वाला राजा अलग होता है। और जो संकल्प कमी कमजोरी आती है ना बाबा, जिसका जो ज्ञान समझ में आती है उसी अनुसार जो संकल्प बनती है ना, उस संकल्प में उठावा आता है। आप नेपाली में बोलिए फिर हम किसी से हिंदी में समझें। आप धड़ाधड़ नेपाली में बोल जाइए। समझ लिया क्या? बताओ। ज्ञान भी समझ में आता है, संकल्प भी पहले अच्छा करता है पर बाद में जाके संकल्प टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, 63 जन्म के पाप कर्म किए हुए हैं, वो अभी रील में घूम रहे हैं। तो जब बुरे कर्म रील में घूमते हैं तो हम ज्ञान हमारे अंदर सारा है, फिर भी वो पाप कर्म के जो संस्कार है वो उदय हो जाते हैं रील में, वो जबरदस्ती हमसे पाप कर्म करा लेते हैं। संस्कार परिवर्तन होना यही मुख्य समस्या है। इतना बुद्धि को तीक्ष्ण बनाया जाए, रेगुलर बनाया जाए कि हम संस्कारों के ऊपर ही परिवर्तन कर दें। लेकिन संस्कार परिवर्तन शक्ति होगी तभी परिवर्तन करेंगे कि बिना परिवर्तन शक्ति किस परिवर्तन कर लेंगे? परिवर्तन कब करेंगे? परिवर्तन शक्ति होगी तो परिवर्तन करेंगे कि बिना निमित्त के परिवर्तन शक्ति आ जाएगी? परिवर्तन शक्ति होगी परिवर्तन करेंगे तो वो आई है। कौन है परिवर्तन शक्ति? निमित्त। उसके लिए बोला विजयमाला का आह्वान करो। अरे खुद से नहीं होता है तो जिसके द्वारा होना है, जो मुखिया है परिवर्तन शक्ति की मुखिया है, उसका आह्वान कर लो, सारा काम होने लगेगा। तो आह्वान किया क्या कि पता ही नहीं था आह्वान करने का? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लंगड़े हैं लूले हैं, हमारे से नहीं हो रहा है, तुम आ जाओ करते तो हम जो सही है? है कर रहे हैं, आई नहीं कर रहे हैं। अच्छा अमृत वेला खूब उठ रहे हैं? अमृत वेला कै बजे? 3 बजे। हाँ सच सच्चा बोलना है, नहीं तो और ज्यादा नींद आएगी। 3:30 कभी कभी 4 बज जाते हैं। अच्छा माने रेगुलर हो जाएगा तो आवाहन भी पूरा हो जाएगा। आवाहन करने से वो पर्सनल विजय माला के धाने आ जाती है या सामग्री में आ जाती है?
जो हवन करते हैं उसके लिए विजय माला आ जाती है या कोई सामूहिक रूप में आ जाती है? अरे वहाँ जब याद करते हैं बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा आते हैं कि कोई दूसरा आ जाता है? हैं? याद में शिव बाबा की बैठते हैं कि ब्रह्मा बाबा की याद में बैठते हैं? शिव बाबा की याद में बैठते हैं और ब्रह्मा का आवाहन करते हैं आ जाओ तो आते हैं। तो याद शिव बाबा को करना है और शिव बाबा की याद में सर्च लाइट देनी है, जैसे वो होता है ना एयरपोर्ट और ये क्या नाम पानी के जहाज जहाँ ठहरते हैं आकर के, हाँ बंदरगाह, तो बंदरगाह में क्या होता है वो लाइट हाउस लगा होता है, हाँ वो रास्ता बताता रहता है, तो उसको देख करके जहाज खींचे चले आते हैं। तो तुम भी सर्च लाइट दो, बाबा की याद में बैठो, सर्च लाइट उनको मिलेगी तो खींची चली आएगी। और फिर वो दोनों भट्टी करने जाते हैं बाबा, कौन दोनों? वो जो विजय महाराज और रुद्र महाराज मिल जाते हैं। हाँ जब तक ज्ञान न ले में तब तक गति नहीं है किसी की भी। भट्टी करने जाते हैं दोनों, भट्टी भी करने जाए सरेंडर भी होना पड़े, इसलिए अध्यक्षवाणी में बोल दिया अभी दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। ये तो बेसिक का हुआ है समर्पण समारोह, यहाँ भगवान तो मौजूद था ही नहीं प्रैक्टिकल में। किसको समर्पण हुए? दीदी दादी को। प्रैक्टिकल में किसको समर्पण हुए? दीदी दादी दादाओं के समर्पण हुए या भगवान के समर्पण हुए? दीदी दादी दादाओं के समर्पण हुए। दीदी दादी दादाओं का डायरेक्शन माना, उनकी मत पर चले, भगवान कहाँ मिला? तो इसलिए बोला अध्यक्ष वाणी में अभी दोबारा भी समर्पण समारोह होना है, ऐसा नहीं समझना ये आखिरी है। और बनी बनाई बन रही और कुछ बनी नहीं, बने नहीं ना। कब करा? 63 जन्म तुमने बनाई नहीं है, अच्छे बुरे कर्म नहीं किए? किए कि नहीं? 63 जन्म अच्छे कर्म भी किए हैं तो अच्छे कर्मों के हिसाब से तुम्हें भगवान भी मिल गया। जो जो जितने जितने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं यहाँ भगवान मिलने के बाद भी फिर अच्छे ही कर्म करेंगे, और जितने बुरे कर्म किए हैं चाहे भगवान भले मिल जाए तो भी अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं? बुरे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। अभी पुरुषार्थ हमें पता थोड़े ही है 63 जन्म हमने क्या किया, इसलिए पुरुषार्थ करो। अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा पुरुषार्थ करोगे तो बुरा ही होगा। है? हाँ जी, और परिवर्तन शक्ति आएगी और युगल में फिर भक्ति करके फिर समर्पित हो जाएंगे, नंबर बार होंगे। और मुझे भक्ति करना ही पड़ेगा, बिना पैदा हुए कोई बच्चा बन जाता है क्या? कोई आत्मा शरीर छोड़े और शरीर छोड़ के दूसरे बाप के घर में जन्म न ले तो बाप का बच्चा बन जाएगा? उसमें तो वो रुद्रमाला वाले जो दाना होता है उसको डबल भट्टी करना पड़ेगा। किनको? रुद्रमाला के। रुद्रमाला को भट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि पहले भी भट्टी करके ड्रॉइस में आया, फिर विजय परिवर्तन शक्ति मिलने के बाद फिर युगल मंडल बन करके फिर भट्टी करना पड़ेगी। तो विजयमाला की दाने यहाँ रुद्रमाला के जितने मणके हैं उनका पक्का है कि मरेंगे नहीं? मैंने परिवर्तन शक्ति मिलने के बाद फिर मरेंगे, फिर भट्टी करेंगे, फिर पैदा होंगे। तो मरना जीना चल रहा है ना, अभी घड़ी अभी जो पाना था सो पा लिया, बाकी है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अभी पूरा मिला नहीं है भगवान। भगवान अगर पूरा मिल जाए तो क्या होता है दिल में? पाना था सो पा लिया, अब हमें कुछ पूछने करने की दरकार नहीं है। हमें तो जो कुछ है दिल में तो है। क्या पाना था? यहाँ का इगली आके बैठे हो, बार बार यहाँ की चक्कर क्यों लगा रहे? पाना था सो पा लिया, घर में बैठो। मिलने आए? किससे मिलने आए? अरे बाप वो उसे पा लिया ना, वो बाप से मिला किस लिए जाता है? विश्व की बादशाही लेने के लिए। अब विश्व की बादशाही मिल लेना है तो पाना तो उसे पा लिया कहाँ? पा लिया, बादशाही लेना है।
अभी रह गया है मारा ये साकार मुरली से बेहतर अपेक्षा पाई है वो बहुत मनपसंद होती है इसका अभी है साकार वाणी अव्यक्त वाणी मन पसंद होती है। साकार वाणी के मुकाबले अव्यक्त वाणी ज्यादा पसंद है क्योंकि अव्यक्त वाणी देवता के द्वारा सुनाई जा रही है और साकार वाणी भगवान के द्वारा भगवान ने सुनाई है। सुनाने वाली आत्माएं अलग अलग हैं या एक ही है? अव्यक्त वाणी जो है वो देवता की आत्मा सुना रही है, कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग में देवता बनेगी, भगवान तो नहीं है। तो कोई जिनमें धारणा नहीं होती है उनको धारणा वाली वाणी अच्छी लगती है क्या? और कोई को भगवान की वाणी अच्छी लगती है? तो कौन सी वाणी अच्छी लगनी चाहिए? भगवान की वाणी जो है वो ज्ञान की वाणी है और देवता जो सुनाएगा वो क्या सुनाएगा? धारणा की बातें सुनाएगा। तो जिनको धारणा नहीं है उनको धारणा की वाणी अच्छी लगती है, ये भी अच्छी बात है। धारणा करेंगे तो देवता बन जाएंगे। और बाबा ने मुझे अभी बताया सिर्फ सुनी हुई वाणी सुनाने से अच्छा, विचार सागर मंथन करने के बाद नई नई बातें सुनाना अच्छा है। तो नई नई बातें सुनाते समय वो उसका मन मत मिक्स नहीं होता है। तो वेरीफाई करा लो। कराया कभी वेरीफाई? कोई नई बात निकाली? अरे करना करना कुछ नहीं, बातें बहुत बनाना। हाँ जो सुनाते हो तो वेरीफाई करा लो ना, अगर संशय है। हाँ, क्लास में वार्तालाप किस लिए रखा गया है? आज भी तो मुरली में कहा बच्चे पूछेंगे ना, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछो क्या बात सही है क्या गलत है। जो सही है सो ही सुनाओ, वेरीफाई करके सुनाओ। और वेद व्यास, वेद व्यास का पाठ क्या है? वेद, विद माने जानना, वेद माने जानकारी। तो वेद किसके मुख से निकले? जानकारी जो निकली है वो किसके मुख से निकली? पहले पहले ब्रह्मा के मुख से जानकारी निकली। तो जो मुरलियां हैं वो असली जानकारी है, निकली तो जानकारी, वेद तो निकले। लेकिन यहां कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं और वेदों को समझा है? कोई बैठा है यहां? कोई नहीं। दुनिया में किसी को देखा जिसने वेद पढ़े हो और वेदों को समझा हो? जो वैदिक भाषा है वो ही समझ में नहीं आती लोगों को, इतनी पुरानी भाषा है। तो ऐसे ही ये मुरलियां इतनी पुरानी हैं, ऐसी गुह्य भाषा है, वो किसी की समझ में ही नहीं आती है। इसलिए फिर वेद व्यास को बैठ के उसका व्याख्या करनी पड़ी शास्त्रों में। तो जो शास्त्र लिखे गए हैं उनकी व्याख्या हुई है वेदों की, उनका नाम पड़ा है वेद व्यास। उनका धंधा ही सिर्फ ये है। क्या धंधा है उनका? वेद व्यास का धंधा क्या था? अरे खेती करते थे क्या? हैं? दुकान चलाते थे? कोई कारखाने में काम करने जाते थे? अब बिजनेस करते थे कोई? नहीं। क्या करते थे? शास्त्र, शास्त्र माने वेदों की व्याख्या करते थे। क्या जो मुरलियां हैं, मुरलियां ही तो वेद हैं, वेद वाणी है, उसकी व्याख्या करना वेद व्यास का काम। और जगदीश भाई को भगवान ने संजय का टाइटल भी दिया। हाँ हाँ, संपूर्ण जय जगदीश भाई को बताया। हाँ जगदीश भाई को, जैसे अभी कुमारकार का नाम लिया, कुमारकार का नाम लिया कि नहीं? संजय का मतलब क्या होता है?
सम माने संपूर्ण, जय माने जय, विजय जिसकी संपूर्ण विजय हुई हो। किस बात में विजय? विश्व के ऊपर विजय, उसकी बेहद नहीं समझ में आता है, इसलिए हद में बार बार पूछ रहा है। हद में बेहद, पहले दुनिया में हद होता है कि बेहद होता है? दुनिया पहले हद की होती है फिर बेहद की बात बताई जाती है, कि पहले बेहद फिर उसके बाद हद बनता है? पहले हद होती है। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, उनको भक्ति मार्ग का साक्षात्कार हुआ या ज्ञान सुनाया गया? पहले भगत थे, फिर भगतों ने मुरली सुनकर के ज्ञान सुना, कोई ने समझा कोई ने नहीं समझा, जिसने समझा उसने नंबर वार सुनाना शुरू किया फिर। और तत्त्वम का अर्थ क्या है? तत्त्वम भक्ति मार्ग में कहते हैं जो भगवान है सोई तुम भगवान हो। तत् माने वह, त्वम जो भगवान है सोई तुम हो, आत्मा सो परमात्मा, दोनों एक ही है। बाबा कहते नहीं, तत् माने वो जो देवता थे सतयुग में, सोई तुम देवता हो, वो ही तुम देवता बनने वाले हो। हाँ, दुनिया उल्टा अर्थ बताती है और बाबा आके उसको सुलटा करते हैं, सही अर्थ बताते हैं कि तुम वो ही देवता हो जो पहले सतयुग में देवता थे, जिनकी मंदिरों में पूजा की जा रही है। तत्त्वम देवता, भगवान नहीं हो। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखा रहे थे अपने चेले को, उसमें अर्जुन जो बाण भेदन करने वाले थे और देव के उसमें मतलब लटकाया हुआ था, उसके नयन के बिंदु में ताकत तो उसका सही भेदन हो गया, दूसरे दूसरे चेले थे वो उनका सही निशाना नहीं था। बिंदु में लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है वो पक्का याद रहना चाहिए। हमको क्या बनना है? क्या बनना है? नरसिंह नारायण बनना है। जब नरसिंह नारायण बनना है तो हमेशा नारायण याद रहना चाहिए या दूसरे दूसरे याद आना चाहिए? हमारी जो नजर है वो कहाँ लगी रहे? लक्ष्य के ऊपर लगी रहे, दूसरी दूसरी तरफ बुद्धि जाएगी तो नीचे गिर जाएंगे, अंत मत सो गते हो जाएगी फिर। बाबा नारायण को याद करना माना, जो भक्ति मार्ग में ताम धाम वाला चित्र दिखाते हैं उसको याद करना है या क्या याद करना? तुम चित्रों वाले नारायण की याद कर रहे हो कि तुम्हें प्रैक्टिकल में नारायण सुझाई पड़ गया? तुम्हें प्रैक्टिकल में नारायण मिला कि नहीं मिला? फिर काहे के लिए चित्र की बात क्यों कर रहे हो? दूसरों को भरमाते क्यों हो? खुद तो ले लिया, कहते हमें मिल गया, नारायण कौन है? दुनिया के लिए ये है चित्र, कौन से कुछ चित्र? चित्र की बात ही क्यों करना, भरमाना क्यों? नारायण का तो फिर वो तो तुम्हारी बुद्धि चित्र में जाती होगी बीच बीच में, तभी तुम दूसरों को इशारा कर रहे हो नारायण की, चित्र वाले नारायण की तरफ। और ताम झाम जो है वो दिव्य गुणों का ताम झाम है या स्थूल जाम ताम झाम है? तो दिव्य गुणों का ताम झाम है। और 18/1/2005 और पृष्ठ 2 के अंत में अवैध तुम्हारी में बोला है, वर्मा बाप के प्रत्यक्षता भूमि कोलकाता ही है, जहाँ से आदि हुई वहाँ समाप्ति भी हो, जहाँ से आदि हुई वहाँ समाप्ति भी हो। ठीक। और यहाँ प्रजापिता की, प्रजापिता वर्मा बाप की बात चल रही। हाँ, प्रजापिता प्रत्यक्ष कहाँ से हुआ? कलकत्ता से ही प्रत्यक्ष हुआ, वहीं यादगार बनी हुई है बनी एंट्री, वहीं बीज बोया गया ज्ञान का, वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत हुई, ब्राह्मणों की नई सृष्टि तो वहीं अब अंत होगा, वहीं से संसार में चारों तरफ आवाज फैलेगी। हाँ,
प्रत्यक्षता हो जाएगी। और मेले बार बार, और गंगा सागर कहाँ होता है? गंगा सागर कहाँ होता है? कलकत्ते होता है। तो बड़े से बड़ा मेला धूमधाम होगी, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी, वहाँ से प्रत्यक्षता होगी। अब गंगा सागर याद रहेगा, गंगा सागर सब तीर्थ बार बार गंगा सागर रहेगा। गंगा सागर उतना गांव था, वो काली घाट, मैंने काली घाट पर उसके फिर गांव रात कुछ भी नहीं। उसका पानी क्या क्या, मैंने गंगा सागर का बहुत तीर्थ पड़ता है, मैंने बड़ा घाट दिखाई देता है। और काली घाट भी बोला जाता है, उसका बड़ा थे कोई ज्यादा बड़ा घाट नहीं दिखाई देता। इसके पानी क्या, थोड़ी सेवा की होगी तो छोटा मंदिर बनता है, बड़ी सेवा की होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा बड़ा मंदिर बनता है। महाकाली के, जगदम्बा के मंदिर और मूर्तियां छोटी बनाई जाती हैं कि बड़े बड़े बनाए जाते हैं? कैसे बनते हैं? छोटी छोटी बनते हैं, तो यादगार है। जिन्होंने छोटी सेवा की है उनके छोटे मंदिर और छोटी मूर्तियां, जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवा की है जैसे भीमसेन, तो बड़ा मंदिर है। महात्मा बुद्ध, उनकी बड़ी मूर्ति है। बाहुबली, उनकी बड़ी मूर्ति बनाई जाती है। और बाबा, ये दक्षिण भारत केरल में एक पर्व मनाते हैं ओणम, तो वो मनाने का कारण बताया कि बड़ी राजा से भगवान ने तीन पैर पृथ्वी के मांगे, तो बड़ी राजा ने दे दिया, तो भगवान ने एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप दी, दूसरे पैर के लिए जगह मांगे तो आकाश दिखा दी, आकाश नाप दी दूसरे पैर भगवान ने, और तीसरे पैर के लिए जगह नहीं बचा तो बड़ी राजा ने अपना सर दे दिया। सर दे दिया माने जो बुद्धि चलाते हो वो भी दे दो। तो भगवान ने तो राजा बलि के शरीर में पांव रखा तो राजा बलि पाताल में धस गया। पाताल में धस गया, तो ये ओणम के दिन बलि राजा ऊपर आते हैं, इसी खुशी में हम मनाते हैं सब बोला। तो इसका बेहद में अर्थ क्या हुआ? बेहद में अर्थ यही होता है कि दक्षिण भारत की आत्माएं पहले उठती हैं या दूसरी आत्माएं पहले उठती हैं? दक्षिण भारत पहले, वो ही है राजा बलि। और अरे मुरलियों में सारी बातें बता गई, व्याख्या भी हो गई कई बार, फिर वही बातें सुनते नहीं है मुरली, तो वही बातें पूछते हैं। सीताराम का बच्चे दो बेटे हैं, लव और कुश, उनका बेहद में साकार पार्ट क्या है? लव माने क्या? प्यार। और कुश माने क्या? कुशा। कुशा माने कांटा। एक है लव और दूसरा है कुशा। राम कौन से युग में हुए? राम सीता, त्रेता युग में। त्रेता युग में राम ने राज्य किया, फिर त्रेता के बाद कौन सा युग आता है? द्वापर युग में किसका राज्य शुरू हुआ? हाँ, हाँ, किसका? रावण का राज्य शुरू हुआ। रावण राज्य जब शुरू हुआ तो कौन सा धर्म आया? इस्लाम धर्म आया। जो देह का प्यार है वो सबसे ज्यादा कौन सा धर्म करता है? इस्लाम धर्म वाले। तो वो हो गया लव। उनका जो आधार है, उनका जो बीज रूप आत्मा है, वो हमारी यज्ञ में बैठी हुई है कोई, वो हो गई लव। और बाद में जो बहुत दुख देता है दुनिया को, वो कौन है? कौन सा धर्म है जो दुनिया को, भारतवासियों को, जिसने बहुत दुख दिया, बहुत खून खराबा किया, बड़े कोड़े लगाए हैं भारतवासियों को, क्रिश्चियंस ने? वो हो गए कांटा, कुश। उनका जो बीज रूप आत्मा है वो कुश हो गई। तो ये लव और कुश, ये बड़े पावरफुल बच्चे पैदा हुए त्रेता युगी राम के, द्वापर में। द्वापर में ही पैदा हुए या कलयुग में? द्वापर में पैदा हुए। बाबा, हम इतने अच्छे बाप और उनका ऐसा दुख देने वाला बच्चा कैसे पैदा?
शिव बाबा सुखदाई है कि आत्माएं सुखदाई है? तुमने रामकृष्ण को सुखदाई समझ लिया? राम बाप तो सुखदाई है। जब शिव बाप उसमें प्रवेश करता है तब सुखदाई है या जन्म जन्मांतर कांटा लगाने वाला है? शिव बाप जब प्रवेश किया उसी टाइम तो रामकृष्ण पैदा हुए। उसी टाइम नहीं पैदा हुए, जब चले जाते हैं शिव बाबा तब इस्लाम धर्म वालों को ज्ञान मिलता है। तुम बच्चों को जब ज्ञान मिल जाएगा तब शिव बाबा चला जाएगा, बैठा रहेगा? हाँ, दूसरे धर्म वाले बच्चों को, दूसरे धर्म पिताओं के बच्चों को ज्ञान देगा या तुमको ज्ञान देगा? शिव बाबा ज्ञान किसको देता है? अपने बच्चों को देगा या दूसरे धर्म पिताओं के बच्चों को देगा? अपने धर्म पिताओं के, अपने अपने बच्चों को देता है। तो अपने बच्चे ज्ञान में आ गए फिर किसका नंबर लगेगा? इस्लामी क्रिश्चियंस का बाद में नंबर लगेगा। उनके धर्म पिताएं जब निकलेंगे, अभी तो क्राइस्ट बैगर रूप में है, भीख मांग रहा है कहीं दुनिया में, वो क्राइस्ट की आत्मा भी ज्ञान में निकलेगी तब क्रिश्चियंस निकलेंगे। अभी क्रिश्चियंस वो बीज रूप आत्मा है, वो तो यहीं की हो गई ना, बीज रूप आधारमूर्त वो देवताएं यहाँ के हैं या उनकी औलाद है? वो तो कन्वर्ट हो गए थे इसलिए उनकी औलाद बन गए, लेकिन वास्तव में वो किसके बच्चे थे? शिव बाबा के बच्चे थे। तो वो तो शिव बाबा के ही बच्चे हैं, भले कन्वर्ट हो गए, जैसे वहां कन्वर्ट हुए वैसे यहां भी कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी बात नहीं है। जो अपने धर्म के पक्के हैं कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। यहां कोई मुसलमान बैठे हैं? हैं कोई मुसलमान? अगर होंगे भी तो कन्वर्ट होने वाले होंगे एक दो जन्म के, पक्के मुसलमान कोई नहीं बैठे हैं यहां। वो बाद में आएंगे या अभी आएंगे? बाद में। बाबा क्राइस्ट आओ भी बेगर रूप में आया, वो भीख मांग रहे हो। हाँ, मतलब ज्ञान का भीख है किसी का भी? दुनिया में ज्ञान की भीख होती है? दुनिया में है क्राइस्ट या ब्राह्मणों में है क्राइस्ट? दुनिया में है। तो दुनिया में रोटी दाल की भीख होती है या ज्ञान की भीख होती है? रोटी दाल की भीख है, रोटी दाल की भीख मांग रहा है। इतना गरीब होके चल रहा है। बिल्कुल, तमो प्रधान बनता है तो गरीब बनता है या साहूकार बनता है? वो आत्मा भी तमो प्रधान बनती है तो गरीब हो जाती है। हाँ जी, ओम शांति।